हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पहले ही बता दूँ, बहुत ही इजी सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसको चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। वैसे बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को पहले। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिगर नहीं दे रखा है आपको, फिगर खुद से बनाना है। यहाँ पर मैंने फिगर आपके लिए बना के रखा है, ठीक है, पहले से ही, जिससे आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिले, ठीक है। पैरेललोग्राम PQRS है, ये PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है यहाँ पर जो दिख रहा है। सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS एंड जॉइंड इट टू पॉइंट पी एंड क्यू। इन्होंने RS पर कोई एक पॉइंट ए ले रखा है और इस पॉइंट ए से क्यू को ज्वाइन किया है और पी को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, सब ट्रायंगल बन गए हैं। फिर ये हम क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। वॉट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। ट्रायंगल है भाई, ये भी पता है हमें। द फार्मर वॉन्ट्स टू सो वीट एंड पल्सेज इन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड सी डू इट। क्या कह रहा है कि वो जो फार्मर है ना, वो किसान जो है, वो क्या चाह रहा है कि मैं आधे हिस्से में अपने खेत के आसे आधे हिस्से में गेहूं का के सीड्स लगा दूं और आधे हिस्से में पल्सेज के, ठीक है। ये जो वो किसान चाह रहा है कि ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, दोनों बराबर अमाउंट में मैं उसकी खेती करूं, किसकी, गेहूं की और दाल की, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि मैं कैसे अपने सीड्स को किस तरीके से सो करूं, किस तरीके से सोइंग करूं, किस तरीके से बोऊं उसको कि सब इक्वल प्रोपोर्शन में आए। तो यही हमें निकालना है। वैसे तो आप इसको सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल को लिख लेते हैं, ट्रायंगल APS या SPA लिखता हूँ, SPA प्लस ट्रायंगल, यहाँ प्लस नहीं कॉमा, सारे ट्रायंगल्स को मैं लिख रहा हूँ अभी, ट्रायंगल PAQ ट्रायंगल AQR, ठीक है। ये ट्रायंगल्स हैं हमारी। अब इन ट्रायंगल्स के एरियाज को अगर हम ऐड कर दें, एरिया ऑफ SPA प्लस एरिया ऑफ PAQ प्लस एरिया ऑफ AQR, तो हमको क्या मिलेगा ये बताइए ज़रा। अरे भाई, हमने ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया ले लिया तो हमको यही तो मिलेगा, PQRS हमारा पैरेललोग्राम। तो एरिया होगा हमारा PQRS के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नंबर दे देते हैं 1, एक नंबर भाई इसको हम दे देते हैं, क्योंकि इसको, इसका यूज़ हमको आगे लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख दिया हूँ या इस साइड में लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं बची, इसको 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, अगर आप देखें इस वाले ट्रायंगल PAQ को, तो ये सेम बेस PQ पर है, तो इसको भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल PAQ इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। रीज़न तो लिखना ही पड़ेगा भाई, द ट्रायंगल, साइन बना रहा हूँ ट्रायंगल की, आप पूरा ट्रायंगल लिखिएगा, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन
सेम पैरेलल्स, ठीक है, इस वजह से हमारा ये हुआ है। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 2। अब आएगा हमारा फ्रॉम वन एंड टू। यहाँ देखिए, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लें और इधर जब हमको नहीं, यहाँ जब हमें ये हाफ मिल गया है, अब हमारे पास बचा कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल SAP और ट्रायंगल AQR। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ऐड करें तो हमको हाफ ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS मिलेगा, है ना। तो सिंपली वही लिख देते हैं, फ्रॉम वन एंड टू एरिया ऑफ SPA प्लस एरिया ऑफ AQR इक्वल हाफ एरिया ऑफ PQRS। भाई जब वो उतना हमको हाफ मिल गया है तो बाकी दोनों को ऐड करने पर हाफ ही तो मिलेगा, तो बस वही लिख देंगे। इसको मैं दे रहा हूँ 3। फ्रॉम वन टू एंड 3, कंक्लूजन आपका क्या निकला कि जो फार्मर है, द फार्मर क्या कह रहे, हाँ क्या है, जो फार्मर है आपका वो या तो द फार्मर सो सोन द फार्मर सो द वीट और पल्स इन ट्रायंगल PAQ और एरिया ऑफ, एरिया नहीं लिखते हैं यहाँ पर, और इन ट्रायंगल SPA प्लस ट्रायंगल AQR। या तो किसान जो वीट है उसको PAQ ट्रायंगल में बोए, उसकी सोइंग करे, या फिर वो SAP और AQR में। तो हमको हमारा आंसर मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।